नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपकी कार का डैशबोर्ड होता है दोस्तों, स्टेयरिंग व्हील के नीचे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्टेयरिंग व्हील के नीचे यहाँ पर इस पैनल के पीछे दोस्तों कार के काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, इस पैनल को खोल के दिखाऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं जो आपकी कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नए ड्राइवर होते हैं दोस्तों या जिन्होंने नई कार ली होती है उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपके जो डैशबोर्ड है उसके नीचे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आपकी कार में होते हैं। ये दोस्तों वीडियो केवल ऑल्टो K10 या ऑल्टो के लिए नहीं है, ये सभी कार में होता है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसी की, कोई पार्ट इधर से उधर कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये पार्ट सभी की कार में होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसको खोल के देखते हैं और बताएंगे दोस्तों कि इसके पीछे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है और एक स्क्रू यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्क्रू दोस्तों मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिए हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। और इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 4 मूव वाला। तो इसको हम इसमें लगाते हैं दोस्तों और इसको खोल के देखते हैं। इसको खोल के दोस्तों फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये स्क्रू निकल गया है और अब मैं दूसरा भी निकाल रहा हूँ। इस टाइप के दोस्तों देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप के 2 स्क्रू होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो खाली गैप दिख रहा है इसको हल्के हाथ से निकालना है क्योंकि इसमें लॉक होते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, अगर वो टूट गए तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसको वापस लगाने में थोड़ी परेशानी आएगी, फिटिंग सही नहीं आएगी। इसलिए हल्के हाथ से आप इस तरह से इसको तान लीजिए। देखिए ये निकल गया इस साइड से और इस साइड से भी हल्के हाथ से तान लेते हैं अपन। तो ये देखिए दोस्तों ये पूरा पैनल निकल गया इस तरह से। अब इस पर एक वायर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ हुक दिए गए हैं तो अपन इसको इस तरह से हुकों को निकाल लेते हैं। तो ये आपका पूरा पैनल निकल गया और इसको अपन रख देते हैं साइड में। अब देखिए दोस्तों आपके आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे काफ़ी वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगे हुए हैं, मतलब वायर का लंबा चौड़ा तामझाम है। देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर वायर है, इधर देखिए बाहरी वायर ही वायर है, इधर कुछ फ्यूज़ है। तो अब मैं आपको एक एक करके दोस्तों बताता हूँ कि किस पार्ट्स का क्या काम है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये एक मोटर दिख रही होगी यहाँ पर, देखिए ये जो मोटर है ये दोस्तों आपकी जो कार है उसकी पावर स्टीयरिंग की मोटर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कहते हैं। तो इसका काम दोस्तों होता है आपके आपके कार के जो टायर हैं उसको आसानी से मोड़ना, स्टीयरिंग को आसानी से मोड़ना। तो ये आपकी देखिए ये स्टीयरिंग का पार्ट है, ये नीचे तक जा रहा है, देखिए मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपकी देखिए इससे जुड़ा हुआ है, पावर स्टीयरिंग मोटर से जुड़ा हुआ है यहाँ से ये। तो देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए ये जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी कार की पावर स्टीयरिंग मोटर है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग कहते हैं, वही मोटर है ये, ठीक है। तो इसका काम दोस्तों आपकी कार को मोड़ना होता है और स्मूथली आपकी स्टीयरिंग घूमे, इसका काम ये है। तो ये आपकी कार की इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मोटर हो गई और ये एक डिवाइस है जो इससे जुड़ा हुआ है, इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक्सेलरेटर, जो आपका जो एक्सेलरेटर है ये, पहले के जो एक्सेलरेटर आते थे दोस्तों वो वायर वाले आते थे, इस तरह के वायर होते थे, इसके अंदर एक मेटल का वायर होता है जो आजकल बाइकों में आता है। तो इस तरह के आते थे, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि पहले की गाड़ियाँ जो होती थी उसमें
इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं होते थे। आजकल की कार में दोस्तों, कार में ईसीयू दिया रहता है, इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, कार का एक खुद कंप्यूटर होता है कार के अंदर, जो आपकी सारी चीज़ों को सेंसरों के माध्यम से ट्रेस करता रहता है। तो ये आपका जो एक्सीलेटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक से, देखिए इसमें वायर लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वायर जा रहा है यहाँ से, ये पूरा इसमें जा रहा है, और यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई है इसके अंदर। तो इसका काम होता है आपके टोटल को कंट्रोल करना, आपकी कार के टोटल को कंट्रोल करना। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपको अच्छा एवरेज मिलता है, दूसरा आपका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और वायर टूटने का झंझट भी नहीं होता है। आजकल की कारों में दोस्तों इसी तरह का एक्सीलेटर दिया जा रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये वायर्स के गुच्छे देख रहे हैं, देखिए, और सॉकेट देख रहे हैं। तो ये सॉकेट आपकी कार के अलग अलग पार्ट्स के हैं, कोई किसी चीज़ का है, कोई लाइट के लिए दिया गया है, कोई आपकी सेंटर लॉकिंग के लिए दिया गया है, कोई पावर विंडो का दिया गया है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो फ्यूज़ दिए गए हैं, देखिए इतने सारे फ्यूज लगे हुए हैं, ये आपका फ्यूज बॉक्स है। तो इन फ्यूज का काम भी यही है दोस्तों, कोई फ्यूज आपका म्यूजिक सिस्टम का फ्यूज है, कोई किसी लाइट का फ्यूज है, कोई आपकी डैशबोर्ड की लाइट का फ्यूज है, तो ये पूरे फ्यूज दिए हुए। और कुछ फ्यूज मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि वो आपके कार के बोनट में दिए रहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पावर स्टीयरिंग मोटर और आपका एक्सीलेटर जो होता है उसके बारे में बता दिया है, और फ्यूज बॉक्स के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीडी डिवाइस की। ओबीडी डिवाइस का जो जो सॉकेट होता है दोस्तों, वो ये यहाँ पर आपका ओबीडी डिवाइस लगता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ओबीडी डिवाइस होता है क्या है। तो ओबीडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक। तो इसका काम होता है आपकी कार में कोई भी खराबी होती है, यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है, यहाँ पर इसमें एक डिवाइस लगा दिया जाता है, जिस तरह आप कंप्यूटर या लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है। इसका काम होता है दोस्तों, आपकी कार में जो भी खराबी होती है वो लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाता है उस डिवाइस को, उसमें पूरी जानकारी आ जाती है। पहले की कारों में दोस्तों ये चीज़ नहीं थी, आपको मैनुअली सर्च करना पड़ता था कि कार में कहाँ पर दिक्कत है। आजकल की कार काफ़ी स्मार्ट हो गई है, तो उसमें जगह जगह सेंसर दिए जाते हैं, जिससे आपको उसकी खराबी का तुरंत आपको पता चल जाता है। सेंसर के थ्रू लैपटॉप या मोबाइल में आपको जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ओबीडी डिवाइस के लिए सॉकेट दिया गया है ये, ठीक है। ये भी दोस्तों अब सभी कारों में होता है, ऐसी कोई कार नहीं है आजकल जो आती है जिसकी उसमें ये डिवाइस लगाने का सॉकेट ना दिया हो, ठीक है। ओबीडी डिवाइस हो गया। उसके बाद कुछ वायर होते हैं, ये वायर है, देखिए एक ये वायर दिख रहा है, ये आपका बोनट ओपनर है। तो आप इसको तानेंगे तो यहाँ से एक वायर जाता है, देखिए ये जा रहा है, जो आगे बोनट के लॉक में लगा होता है, इसको तानने पे वायर तनता है और बोनट खुल जाता है। और ये आपका क्लच है दोस्तों, क्लच जो होता है दोस्तों, ये वायर वाला क्लच होता है, देखिए ये मैनुअल कार में ज़्यादातर वायर वाला ही क्लच दिया रहता है। ये वायर जा रहा है जो आपके नीचे के इंजन के नीचे एक क्लच लीवर दिया गया है, उसमें जुड़ा होता है। जब हम इसको ऐसे तानते हैं तो इसका वायर तनता है, तो लीवर नीचे अंदर तनता है, ठीक है। और ये आपका ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल में यहाँ पर आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपके जो अंदर बोनट के अंदर ब्रेक बूस्टर लगा है वहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये इसकी लाइट के कंट्रोल है, जो टेल लाइट होती है आपकी कार की, जब आप ब्रेक लगाते हैं उसकी लाइट के ये कंट्रोल दिए गए हैं, ये वाले देखिए। जगह की कमी के कारण दोस्तों मैं ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। और इसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पर आपके एसी के कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, जो आपके एसी के ये वाले कंट्रोल होते हैं दोस्तों, कि आपको हवा कहाँ से चाहिए। तो ये पूरा मैनुअल एसी में ऐसा ही सिस्टम होता है, वायर वाला। जब आप इसको देखिए, मैं यहाँ से घुमा के दिखाता हूँ आपको, तो क्या होगा देखिए, ये मैनुअल एसी में होता है दोस्तों, हवा की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस तरह का वायर का यूज किया जाता है, और ये खुलता बंद होता है। देखिए अगर मैं एसी को
गरम से ठंडे से गरम की तरफ करता हूँ तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मैं स्विच घुमा रहा हूँ और ये भी इसके साथ घूम रहा है। तो ये पूरे नॉब होते हैं दोस्तों, जो खुलते बंद होते हैं वो पूरा इसका वायर के थ्रू जुड़ा होता है। एक येलो वायर दिया गया है देखिए यहाँ पर, और एक ग्रीन वायर दिया गया है जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो होता है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये दोनों साइड होता है, ये एक ये होता है, ये दोनों तरफ होता है, एक ड्राइवर साइड दिया रहता है, एक साइड इधर से आपके पैरों में आवाज आती है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है दोस्तों इसके पीछे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर भी अगर मैं भूल गया हूँ तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो, या आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई सवाल हो, तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो आपका ये देख रहे हैं आप, ये जो आपका सॉकेट लगा हुआ है, ये आपके पूरे इग्निशन की का सॉकेट है। यहाँ से आपके वायर वगैरह जा रहे हैं, जो आपकी कार का इग्निशन है उसके ये सॉकेट है। ये वायर जो दिख रहे हैं आपको आपके इग्निशन के हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। अगर ये पार्ट दोस्तों नहीं होंगे तो कार आजकल की जो आ रही है उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ होगी, और आपके लिए भी। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको ये चीज़ों की जानकारी हो। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूं, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।